हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा दलाल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स चला हुआ है, जिसमें हमने लेक्चर 7 जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसा कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है, तो वो अपने ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट की तरह भी वो बिहेव करता है। उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसका चार्ज है प्लस ZE। इस तरीके से ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। इसकी हमने ये रेडियस मान ली है R। R क्या है? हमारी रेडियस। एंड M क्या हमारा इसके अंदर मास। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्पीड V क्या है इसके अंदर हमारी, ये वेलोसिटी है, जो कि हमें बताता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से मूव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर कुछ न कुछ करंट भी होगा, चार्ज भी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। जब ये इस तरीके से रिवॉल्व होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से रिवॉल्व करता है, तो हमारा करंट क्या आएगा, चार्ज बाय टी। क्यों, क्या लिया हमने इसके अंदर, चार्ज लिया है, जो कि हमें इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, आई इक्वल टू ई बाय टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर टी क्या है, टी है इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा टी इसके अंदर, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसको ये बोल सकते हैं वो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, टी इक्वल टू 2πr/v। ये जो हमारी टी की वैल्यू है टाइम पीरियड की, हम इसके अंदर रख देंगे इसको, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, अब आई इक्वल टू ई बाय टी 2πr/v। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई वी बाय 2πr। इस तरीके से ये हमारी क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई। जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। म्यू एल क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल, एल लिया है ना हमने इसके अंदर, तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ये होगा हमारा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, म्यू एल इक्वल टू आई इंटू एरिया। एरिया क्या होता है हमारा सर्कुलर के लिए, पाई आर स्क्वायर। हम इसके अंदर आई की वैल्यू पुट कर देंगे, हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। तो वो क्या आएगा हमारा, म्यू एल इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ई वी बाय 2πr इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, EVr/2। ये क्या आ गया हमारा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। हमने जैसे बोहर मॉडल में पढ़ा था
कि ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड क्या, अगर हम इसको वेक्टर के अंदर लेंगे ना तो क्या आएगा हमारा, जैसे ये हमने सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमने रेडियस अज्यूम कर ली, इस तरीके से ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो जो ऑर्बिटल हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसके ओपोजिट होगा, और ऑर्बिटल किस में आएगा हमारा, इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से यहाँ, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसके ऑपोजिट होगा जो कि हमारा नीचे की साइड होगा, ये इस तरीके से क्या होगा हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। हमने इसके अंदर मैग्नीट्यूड लिया है तो हमारा इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, आप आगे देखिए। तो हमने जैसा बोहर मॉडल में पढ़ा था कि हमारी ऑर्बिटल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या आती है हमारी, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये हमारी एल की वैल्यू हमने बोहर मॉडल में निकाली थी। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे म्यू एल बाय एल इक्वल टू ई वी आर बाय टू इंटू वन बाय एम वी आर, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया, वी से वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई म्यू एल बाय एल इक्वल टू ई बाय टू एम। ये क्या, ये रेशियो हमारा क्या होता है म्यू एल बाय एल, इसको बोलते हैं हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं हम इसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं म्यू एल इक्वल टू, हम एल को इस साइड लेके जा सकते हैं ई बाय टू एम एल, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, अब हम क्या लिखेंगे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा इसके अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है एल के, ई बाय टू एम एल ये आ जाएगी हमारी वैल्यू म्यू एल वेक्टर माइनस जी एल। फॉर एल क्यों लिया हमने, क्योंकि ये ऑर्बिटल के लिए है हमारा ऑर्बिटल जी फैक्टर, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है जी एल वन की, तो हम पूरा लिख देंगे इसको ई बाय टू एम इंटू एल, तो हमारा म्यू एल वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा म्यू एल माइनस ई बाय टू एम एल। एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था एल की जो वैल्यू होती है वो होता है रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट, और एच कट किसके इक्वल होता है हमारा, एच कट होता है एच अपॉन टू पाई, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। इसमें जो ये एल होता है ये हमारा क्वांटम नंबर होता है फॉर ऑर्बिटल के लिए, क्या होता है ये हमारा क्वांटम नंबर। तो अब हम इस एल की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बाय टू एम रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई एच बाय फोर पाई एम रूट एल इंटू एल प्लस वन, ये क्या होता है हमारा, इसको हम लिखेंगे म्यू बी। म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटॉन,
जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है म्यू बी की, ई एच अपॉन 4πm। तो हमारी म्यू एल वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एल माइनस एल इंटू एल प्लस वन म्यू बी, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमने क्या पढ़ा है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्ज होगा, करंट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और ऑर्बिटल में जो कि ऑर्बिटल तो इसके परपेंडिकुलर होगा लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इसके अपोजिट साइड होगा, इसलिए हमें नेगेटिव साइन इसके अंदर देखने को मिला है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।